और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अभिनेता संजय दत्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय दत्त की कोरोना टेस्ट भी हुआ और उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो नेगेटिव बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आ रही है, संजय दत्त को सांस में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी संजय दत्त को, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब भी कोई मरीज जाता है एडमिट, अगर जिसे भर्ती किया जाता है उसका पहले कोरोना का टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट होता है, और वो जो रिपोर्ट आई है संजय दत्त की वो नेगेटिव आई है, यानी कि कोरोना जैसी कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्वेता गुमसे न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गई है, श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, अभी तबीयत कैसी है संजय दत्त की और क्या तकलीफ उन्हें हुई थी? जी ज्योति, लीलावती अस्पताल में अभिनेता संजय दत्त को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत में थोड़ा सा बिगाड़ ज़रूर था, लेकिन आज सांस लेने में तकलीफ जाने से संजय दत्त को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका कोविड टेस्ट भी कराया जो कि नेगेटिव आया है, और अब उन्हें नॉन कोविड वार्ड में ही रखा गया है। यदि तबीयत में और सुधार आता है तो उन्हें जो है वो डॉक्टर के मुताबिक पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद में उन्हें कल डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन अब की जानकारी ज्योति यह है कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सांस लेने में दिक्कत जाने से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्वेता गुमसे आपका। तो श्वेता बता रही है पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद आज उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर लिया।